एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। सो ये आपका क्रैश कोर्स ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेज है, जिसमें हम 700 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेज को देख रहे हैं, जो आपके पिछले 1999 से लेके 2016 तक आए हैं। तो ये आपकी अपडेटेड लिस्ट है, इसमें सारे इडियम्स एंड फ्रेजेज कवर अप हो जाएंगे। तो इसके आगे आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज का कोई मतलब आ ही नहीं सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं। एंड समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज यशिका एंड यू कैन फॉलो मी ऑन दिस लिंक। चलिए, सो ये आपको पता है कि किसके लिए, टायर वन एंड टायर टू के लिए है। एंड ये हेल्पफुल होगी SSC CPO के लिए, CGL के लिए एंड CHSL के लिए, रेलवेज के लिए भी, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें आके इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आपका जो फर्स्ट है इडियम एंड फ्रेजेस, वो है ऑफ नो अवेल। तो मतलब ये जो आपका फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है यूजलेस होना, किसी पर्टिकुलर चीज़ का, किसी थिंग का, या किसी बात का, किसी कमेंट के भी आप कह सकते हैं कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये बात यूजलेस है। ठीक है, जो आपका idiom है वो है on the verge of। on the verge of का meaning होता है something going to happen, like कोई आपकी company है वो bankrupt होने वाली है, तो आप कह सकते हैं वो on the verge है bankrupt होने के लिए, तब ये आप use करते हैं, यानि कि something going to happen in the future, तब आप इस idiom को use करते हैं। a sore point mean क्या होता है? something which hurts, जो आपको बहुत ही hurting, आप कह सकते हैं कोई comment है, या आप कह सकते हैं कोई ऐसी बात जो point है, आप कहते हैं ना कई बार ऐसा कोई टॉन्ट मार देता है, वो आपका टॉन्ट को हम इस idiom से देख सकते हैं कि वो आपको बहुत हर्ट होता है। अगला जो आपका idiom है वो है like a phoenix में कोई न्यू बिगिनिंग करना, किसी का रीबर्थ होना, या कोई आप कह सकते हैं कोई नई लाइफ को आप कह सकते हैं स्टार्ट करना। To keep under wraps, आपने चाइल्ड छोटे बच्चों को देखा होगा, वे कुछ चीज़ छुपाते हैं तो वो क्या करते हैं, अंदर सराहने के रख देते हैं या अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं। तो इस idiom का मीनिंग है कोई सीक्रेट रखना, यानी कि कोई सीक्रेट बात रखनी, या कोई सी कुछ चीज़ें छुपा के रखना। डाई इन अ हार्डनेस, टू डाई एंड वन वर्क, आपको इससे पता लग गया कि आप किसी काम करते हुए मरना। ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड, अब फेयर वेदर फ्रेंड मतलब वो फ्रेंड जो आपको बेसिकली छोड़ जाता है आपकी डिफिकल्टीज में। डेजर्ट माने होता है अबैंडन करना, छोड़ जाना। इमर्ज आउट ऑफ अ थिन एयर, इसका मतलब अपीयर सडनली, कई बार ऐसे होता है कि बहुत ही अचानक से कोई आ जाता है। ठीक है, हवा का झोंका जिसे कहते हैं। ठीक है, कट नो आइस, यानी कि कोई भी इन्फ्लुएंस हो ना होना किसी पर्टिकुलर बात का। ठीक है, कोई ऐसा काम ना करना जिससे आपके फॉलोवर्स हों। ब्राउट अप मतलब इंट्रोड्यूस करना फॉर डिस्कशंस। ठीक है, कोई पर्टिकुलर आप टॉपिक के बारे में बात करें तब आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राउट अप, यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, या इंट्रोड्यूस करना किसी डिस्कशन को जो आगे होने वाली है। कैनॉट होल्ड अ कैंडल टू, अब कैनॉट होल्ड अ कैंडल टू होता है कि ये कंपेयर नहीं हो सकती। अब जैसे कि कोई पर्टिकुलर थिंग है, जैसे आप कह सकते हैं कि ये कंपेयर के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो आपने पिछले सेशन में किया था कि कैनॉट होल्ड अ वाटर, यानी कि वो पर्टिकुलर जो थिंग है वो इतनी यूजलेस नहीं है, इतना अच्छा कमेंट नहीं है कि वो उसको सुनी जा सके वो बात। ठीक है, वो ऐसी बेकार सी बात है, उस पर मैं बिलीव नहीं कर सकता। तो वो हमने पिछले idiom में कहता है, उसी के साथ का रिलेटेड ये idiom है cannot hold a candle to, जिसका मीनिंग होता है कंपेयर ना हो पाना। अगला है बर्न वंस बोट, यानी कि बर्न्स वन बोट का idiom जो ये फ्रेज है, ये बहुत ही पहले टाइम पे लिया गया था, जब एक टाइम पे क्या हुआ था, एक कहानी थी जिसमें ना जो आपका कह सकते हैं बोट वाला होता है, वो क्या करता है कि वो मतलब आगे जाता है कि मैं आगे ही जाऊं, इसके मतलब जो टापू होता है सी होता है, मैं पीछे नहीं जाना था, तो वो अपनी बोट को जला देता है। तो जब वो अपनी बोट को जला देता है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, या तो वो टापू में रहे, ठीक है, यही वहीं पे मर जाए, आगे समुद्र के कैसे तैर के जाएगा। तो वैसे ही यही है कि अपने लिए कोई रास्ता ना छोड़ना, वहीं से ये idioms को लिया गया। idioms एंड फ्रेजेस की कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, लाइक जगलर्स वीन्स माने होता है कि आप देखिए कि एनिमल्स को देखा होगा, कि आपने शेर को देखा होगा, जब वो अटैक करता है तो वो कहाँ करता है, गले पे अटैक करता है। तो गले पे हमारी एक जगलर वीन होती है, जहाँ पे हमारा ब्लड कैरी होता है। ठीक है, तो वो वहां पे अटैक करता है, तो दूसरे एनिमल को अपने आप को डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसी idiom से ये मीनिंग आया कि ऐसी पार्टी को हराना कि दूसरी पार्टी जीत भी ना पाए। तो ऐसे ही आपके idioms एंड फ्रेजेस बने। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेक वंस फ्लैश क्रीप, इसका मतलब हॉरिफाई करना।
प्रोज एंड कॉन्स भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और अगला है टू टेक इनटू अकाउंट, यानी कि कुछ बातों को कंसीडर करना, ठीक है, अपने मतलब उस बातों पे ध्यान देना, ब्लो ओवर यानी कि पास ऑफ हो जाना। चलिए, रन इनटू, इनकरेज और टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, ठीक है, इसका मीनिंग आपको पता चला कि एक्सपीरियंस करना डिफिकल्टीज को। ब्लू वाइट बॉयज, उसको फेवरेट बॉयज कैसे, फेवरेट्स यानी कि जो आपके फेवरेट पर्सन हैं उनको आप कह सकते हैं। ड्रॉपिंग नेम्स यानी कि हिंटिंग अ हाई कनेक्शंस, यानी कि टू मेंशन कि मेरे जो कहते हैं ना लाइक पर्टिकुलर डिफिकल्टी आते हैं मेरे पास, मैं इस पर्सन को जानता हूँ, मैं इस पर्सन को जानता हूँ, तो आप क्या कर रहे होते हैं, ड्रॉपिंग नेम्स कर रहे होते हैं, यानी कि अच्छे कनेक्शंस अपने बता रहे होते हैं। अ रेड लेटर डे वो डे होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, लाइक आपकी कॉन्वोकेशन हो गई, या आपका मैरिज का दिन हो गया, या आपकी जॉब का फर्स्ट डे हो गया, ठीक है, तो वो आपका रेड लेटर डे होता है। बॉन्ड टू पिक, यानी कि कोई बेसिकली क्वारल को क्रिएट करना, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई मतलब एक लड़ाई करना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। अ स्ट्रॉन्ग थ्रो, वेरी नियर, बहुत इजी इडियम है। स्ट्रक का चिल टू द हर्ट, यानी कि इसका मतलब होता है टू मेक समबडी अफेयर, यानी कि किसी को आप कह सकते हैं, जैसे कहें दिल का, मेरा दिल घबरा गया, किसी को अचानक से डरा देना, ठीक है। एंड इन अ फिस्को, यानी कि अल्टर फेलियर, बहुत ही बुरी तरीके से फेल होना किसी चीज में, ठीक है। फेल बैक टू टर्न और अ मूव बैक, इजी इडियम है। टर्न अप वंस नोज एट, यानी कि जब आप कहते हैं नाक चिढ़ाना किसी बात पे, तब यहाँ से idiom ये लिया गया, यानी कि रिजेक्ट करना, इस पर्टिकुलर चीज को पसंद ना आना। ट्राई वंस एट, यानी कि टू फील प्राउड इन अ वे दैट अदर पीपल फाइंड इट अनोइंग, लाइक समटाइम्स सम पर्सन होते हैं कि वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं किसी पर्टिकुलर कमेंट को कहने के बाद, और दूसरे पीपल चिढ़ते हैं कि यार ये क्यों ऐसे इतना प्राउड फील कर रहा है, ठीक है ना, तब ये हम idiom इसको यूज करते हैं। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई मतलब टू लीव समवन हेल्पलेस, लाइक समटाइम ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स हमें हेल्पलेस छोड़ जाते हैं ऐसे कई पर्टिकुलर असाइनमेंट्स में, कई टाइम ऐसे होता है कि कई हेल्प ही नहीं मिल पाती, तो निग्लेक्ट कर देना उसको डिजिट कर देना उस पर्टिकुलर डिफिकल्ट सिचुएशन में। टेक फॉर ग्रांटेड आपको पता है कि टू प्री सपोज एज सडनली ट्रू, ठीक है। मीन्स मैटर, टू कन्फ्यूज करना इशू को, मिक्स कर देना किसी फैक्ट्स को। समटाइम ऐसा होता है कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर फैक्ट नहीं पता होता, फिर भी हम बोलते रहते हैं उसके बारे में, तो कन्फ्यूज होना उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या इशू पे, मिक्स कर देना फैक्ट्स को, तब हम इस पर्टिकुलर idiom का यूज करते हैं। करी फेवर विद ट्राई टू हार्ड टू गेट प्लीज somebody, लाइक समटाइम आपने देखा होगा एक सर्वाइल, आपने सर्वाइल सुना होगा, सर्वाइल उस पर्सन को कहते हैं कि जो बेसिकली बहुत ही प्लीज करता है दूसरे पर्सन को अपने आप का काम निकलवाने के लिए, वो झुक जाता है, वो करता है उनके आगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो उसको इतना प्लीज करता है कि एक सर्वेंट जैसे प्लीज करता है अपने ऑनर को, तो वहीं से ये idiom है करिंग फेवर विद, इसका मीनिंग होता है ट्राई टू हार्ड टू गेट प्लीज somebody, ठीक है। चलिए, स्टैंड ऑफिश मतलब इनडिफरेंट होता है। सो देखिए, जो इजी idioms होते हैं मैं उनको नहीं समझा रही, देखिए इनका इंग्लिश मीनिंग ही इतना ईजी है तो इनको आपको क्या समझने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आता है अ बर्ल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड होना या अनप्लेजेंट होना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है रैपिडली, ये भी हमने देखा था। टर्न अ डेफ ओवियर यानी कि डिसओबे करना, समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो छोटे हमारे से होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बात ही नहीं सुनते, डिसओबे करते रहते हैं, तब ये idiom यूज होता है। हैव द लास्ट लाफ, इसका मीनिंग होता है टू बी विक्टरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट को जीत लेना, जीतने के लिए कुछ भी आप कह सकते हैं कि बहुत उत्साहित होना, आप मतलब टू स्मेल अ रैट यानी कि सस्पेक्ट करना, आप कह सकते हैं कि देख लेना कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी है। आपने देखा होगा ना कि रैट जहाँ पे मरा होता है ना वहाँ पे स्मेल बहुत ज्यादा होती है, आपको पता चल जाता है अंदर, रूम के अंदर जाते ही पता चलता है कि यहाँ पे रैट कहीं मरा है, तो वैसे ही एक सस्पेक्ट कर लेना कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी है, यानी कि हमारी अंदर की इंट्यूशन जो आना। डन फॉर, रन करना। मेक अ क्लीन बिल, कन्फेस करना, ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी सीक्रेट ना रखना, पूरा क्लियरली बता देना कि क्या बात है। टू एंड इन अ स्मोक यानी कि टू कम टू नथिंग, नो आउटकम, यानी कि कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसे आपने काम किया उसकी कोई आउटकम ही नहीं आई, यानी कि आपने सारा दिन अपना वेस्ट कर दिया उसकी कोई आउटकम ही नहीं आई, यानी कि टू एंड इन अ स्मोक, स्मोक देखिए ना आपने जो उड़ जाती है, वैसे ही आपका टाइम भी उड़ गया। चलिए, सेट्स वंस फेस्ड अगेन, यानी कि अपोज करना स्ट्रांगली किसी पर्टिकुलर कमेंट को, किसी थिंग को। स्टॉर्म इन द टी कप यानी कि ओवर अ ट्राइबल मैटर, यानी कि एंग्री होना किसी बात पे,
ठीक है, पुटिंग वन फुट डाउन यानी कि असर्टिंग वन, टेक अ फर्म स्टैंड यानी कि आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने अपना पहला स्टेप उठाया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बात सच है। ठीक है, ये आपका 2009 में आया हुआ idiom है। द मैन इन द स्ट्रीट यानी कि ऑर्डिनरी मैन, कॉमन मैन को कहते हैं इस फ्रेज को, ये भी 2009 में, ये सारे 2009 की लिस्ट है जो हमने डिस्कस कर रहे हैं। टू कैच अप विद मतलब कंप्लीट करना, टू कंप्लीट विद यानी कि फाइट टू द बिटर एंड टू फाइट अ लूजिंग बैटल, यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लूज कर चुके होते हैं पर्टिकुलर गेम में, तो फिर भी एंड बिटर एंड होने के बावजूद आपको पता है कि आप हारोगे, तब भी आप फाइट कर रहे हो। थ्रो डाउन अ ग्लव यानी कि टू एक्सेप्ट कर देना डिफीट यानी कि अपनी डिफीटनेस यानी कि हार मान लेना। रीड बिटवीन द लाइन्स हमने देखा था, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग 2009 में आया हुआ है ये। टू कैच आउट ऑफ द बैग, टू अटर अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, समटाइम्स ऐसे होता है, आपने देखा होगा जादूगर जो वो दिखाता होता है ना कैप, उसमें से कैट उछल के आ जाती है, वो अचानक आती है, वैसे ही आपका सीक्रेट आ जाना, चाहे गलती से आ जाना, चाहे किसी को दिख जाना। ठीक है, टू हैव टू मैनी आयरन इन द फायर, टू गेट एंगेज इन टू मैनी एंटरप्राइज एट द सेम टाइम, यानी कि अपने पास बहुत सारे वर्क होना, इंगेज हो जाना यानी कि अपने आपको इतना टू बिजी कर लेना, कहते हैं ना वो चारों उंगलियां घी में डाल देना, यानी कि इतने सारे काम पकड़ लेना कि आपसे हैंडल भी ना हो, तब ये idiom यूज होता है, यानी कि टू गेट एंगेज इन टू मैनी एंटरप्राइजेस। फॉल थ्रो मतलब टू फेल होना। कट वंस ऑफ विदाउट अ शिलिंग यानी कि टू एक्सपेल फ्रॉम फेडरल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे idioms एंड phrases जो हैं वो 50 प्लस कवर होते हैं। आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। इफ़ यू लाइक दिस कोर्स प्लीज़ रेट रिव्यू एंड रिकमेंड करिएगा, अपने व्यूज़ बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमारी सीरीज़ चल रही है एंड ग्रामर सीरीज़ भी चल रही है, तो इंग्लिश का काफ़ी सिलेबस जो है हम इन कोर्सेज के द्वारा कवर अप करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, की प्लानिंग, बाय बाय।